अगर कोई लड़की आपसे इम्प्रेस नहीं हो रही है तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको नेचर बताने वाला हूँ, इस नेचर को जरूर अपनाइएगा और फिर उसके बाद फ्रेंड इसका रिजल्ट देखिएगा। अगर आज तक कोई लड़की आपसे इम्प्रेस नहीं हुई, कोई लड़की आपसे बात करना पसंद नहीं करती, उतना ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती और आज तक आप सिंगल हो, तो आज की इस वीडियो को फ्रेंड एंड तक वॉच जरूर करिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको नेचर बताने वाला हूँ ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वभाव, अगर आपने ऐसा स्वभाव रख लिया तो ना चाहते उस लड़की को आपसे बात करना अच्छा लगेगा, ना चाहते उस लड़की को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। और जब ये दोनों चीज़ साथ में होती है ना फ्रेंड, तो क्लोजनेस अपने आप बढ़ जाती है, और जब क्लोजनेस बढ़ जाती है ना, तो ना चाहते प्यार की डोर बंधने लग जाती है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कौन सा ऐसा नेचर होता है। तो आज की इस वीडियो को फ्रेंड एंड तक वॉच तो करो यार। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना यार, ठीक है ना। और हो सके तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि किसी भी बुक में ये बात नहीं लिखी है कि आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए यही चीज प्रॉपरली करो, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लड़की को आप इम्प्रेस अपने स्वभाव से कर सकते हो। जैसे कि एक लड़की को ना फ्रेंड हमेशा से एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जिसका एकदम हेल्पिंग नेचर हो, जिसका जो स्वभाव हो ना बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता टाइप का हो, मतलब सॉफ्ट टाइप का हो, ऐसा कुछ। आपको पता है फ्रेंड, लड़कियां जो होती है ना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनली होती है। आपने कई बार ये चीज़ देखा होगा कि कोई इमोशन वाली मूवी होती है, इमोशनल स्टोरी होती है या फिर कोई इमोशनल सॉन्ग होता है, तो उस पर कितना ज़्यादा वो ध्यान लगाकर सुनती है, कितना ज़्यादा मन लगाकर सुनती है। वो क्यों सुनती है? क्योंकि उनको वो चीज़ सुनना पसंद होता है। लड़के के अकॉर्डिंग लड़कियों में ज़्यादा इमोशन पाया जाता है, वो बहुत ही जल्दी भावुक हो जाती है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका नेचर ऐसा होना चाहिए ताकि उस लड़की को ऐसा लगे कि ये लड़का जितना मुझे समझता है ना, उतना कोई लड़का नहीं समझता है। अपने आप को फ्रेंड इतना स्ट्रांग बनाइए ना कि जब भी आप उससे बात करें तो वो ना चाहते लड़की आपको अपनी इमोशन जरूर बताए। आप उसकी हमेशा इमोशन सुनने पर ध्यान दीजिए। जब भी वो लड़की बात कर रही है ना, तो आप ऐसी शो करवाइए कि आप उसकी बात को सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ताकि लड़की अपनी इमोशन आपके साथ शेयर कर सके। आप उस लड़की से ऐसे बात करिए जैसे कि उसने कभी सोच नहीं रखा हो, जैसे कि उसका मन बहुत ही ज़्यादा उदास है, तो आप ऐसे बात करिए कि वो आपको अपनी इमोशन बता दे, उसके दुख उसके दर्द को बाहर निकालने की कोशिश करिए। मगर ज़्यादातर लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़की उससे बात कर रहे हो तो उसके सामने शो ऑफ करना चाहिए, लड़की उससे बात कर रहे हो तो अपनी बात उसके सामने रखना चाहिए। भाई, अगर आप लड़की की इमोशन को समझते हो तो सच कह रहा हूँ भाई, ये चीज़ है ना फ्रेंड लड़की को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना कि आप खुद नहीं समझ सकते। बेसिकली अगर मेरे को कोई लड़की मैसेज करती है इंस्टाग्राम पर कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, सर मुझे आपसे ये बात करनी है, तो मैं उसकी इमोशन को समझता हूँ, तभी ना लड़की अच्छी तरीके से मुझे एक्सप्लेन करती है और फिर मुझे कहती है कि सर मैंने आपकी सारी वीडियो देखी या फिर मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, मगर पर्सनली आपसे बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी इमोशन को समझता हूँ। तो वैसे ही फ्रेंड आपको भी उस लड़की की इमोशन को समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। इमोशनली उसे सपोर्ट करिए, इमोशनली उसे एडवाइस करिए, इमोशनली उसकी बातों को सुनिए एंड इमोशनली उसको सजेस्ट कीजिए। अगर आपको लड़की ना पसंद करे तो भाई के आप चैनल पर आकर के कमेंट बॉक्स में जो मन में आए वो लिख सकते हो। 100% है फ्रेंड, पर्सनली एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ज़्यादातर लड़कियों को ये ख्वाहिशें नहीं होती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड हो मेरे पीछे पैसा खर्चा करे, जो मेरा बॉयफ्रेंड हो मुझे गिफ्ट दे, जो मेरा बॉयफ्रेंड हो मेरे साथ ये कर सके। नहीं, ज़्यादातर लड़कियों को ना सोच होती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो मेरे को अपनी लाइफ पार्टनर की तरह केयर करना सीखे। जी हाँ, हेल्पिंग नेचर जिसे हम कहते हैं, उसकी परवाह करना। लड़की आपसे ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं मांगती है, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी परवाह करना। बहुत से लड़कों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी जॉब कर रहे हैं, अपने किसी काम को लेकर के बिजी हैं, तो अपनी पार्टनर को भूल जाते हैं। पार्टनर बदले में उनसे केयर चाहती है, मगर वो भी चीज़ आप दे नहीं पाते हो, जिसके बाद अगर उसके वही केयर कोई और देता है तो ना चाहते वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है। और यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उस लड़की को इमोशनली सपोर्ट करते हो तो साथ ही साथ आपको केयरिंग नेचर भी दिखानी चाहिए। जब आप उसे अपनी केयरिंग नेचर दिखाते हो ना, तो इससे लड़कियां बहुत ही जल्दी आपके तरफ आकर्षित होती है कि ये लड़का मेरी बहुत परवाह करता है। और ऐसे लड़के को ना लड़कियां जल्दी नहीं छोड़ती है। अब वो चाहे एक फ्रेंडशिप का
डोर क्यों ना हो। अगर आप उसने दोस्ती कर रखी है तो भाई दोस्ती गहरी होती जाएगी और ना चाहते उसको प्यार आपसे होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे किसी चीज़ की मदद चाहिए तो आप उसकी मदद कीजिए, अगर उसे कहीं जाना है तो आप उसके साथ जाइए, अगर वो किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ है तो आप उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करिए। अगर उसे आप दोनों साथ चल रहे हो, क्लास से साथ निकले हो, ऑफिस से साथ निकले हो और रोड क्रॉस करना है, कहीं बैठना है, कहीं उठना है, तो उसकी हाथ पकड़ कर आप बैठाइए, आप पूरी रोड क्रॉस कराइए, ऐसा नेचर दिखाइए। अगर उसकी तबीयत खराब है तो आप उसका ध्यान रखिए, आप उससे पूछिए कि क्या तुमने इस टाइम की मेडिसिन ली, क्या तुमने ये चेकअप करवाया, क्या तुमने वो करवाया, ऐसा नेचर दिखाइए उसे। लड़की आपसे इम्प्रेस होगी, क्योंकि लड़की को ये सबसे बड़ा पॉइंट माना जाता है कि कोई है जो मेरे पेरेंट्स के बाद मेरा ध्यान रखता है, कोई है ऐसा जितना मुझसे पेरेंट्स प्यार करते उतना ही ज़्यादा ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है। तो लड़की आपको अपना दिल क्यों नहीं देगी। मगर नहीं जी, लड़कों को तो लगता है ऐसा कि लड़की को महंगी गिफ्ट देने से, लड़की को अच्छा रोबाब देने से, उसे अच्छी अच्छी जगह घुमाने से लड़की इम्प्रेस हो जाती है। ऐसे में लड़कियाँ इम्प्रेस नहीं होती है भाई, ऐसे में लड़कियाँ बस ये सोचती कि टेम्परेरी, कि मतलब हाँ जब तक चल रहा है चलने दो, जब तक हट जाएगा हट जाएगा, समझ गए। तो ये था वो आपका दूसरा नेचर। एंड इसके बाद हम तीसरे नेचर की बात करते हैं। बहुत से लड़के मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पर, स्पेशली फेसबुक पर बहुत ही ज़्यादा मैसेज करते हैं कि सर मैं उसको नेचर तो अपना दिखाऊं, सर मैं तो उसे इम्प्रेस करूं, मगर वो मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है, सर उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेती मेरी बात करने पर, सर इतना ज़्यादा वो नहीं बताती कि हाँ मुझे इससे बात करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आपको पता है फ्रेंड, इस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। क्या आप उसकी पसंद और नापसंद को लेकर के चलोगे तो लड़की आपसे इंटरेस्ट लेकर बात करना चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की के सामने इंटरेस्टिंग बात करने से लड़कियां बहुत देर तक बात करती है, लड़की को मजा आता है हमसे ऐसे मजाक करने से, और इस तरीके से आपको लगता भी ऐसा है कि लड़की से बात करना बहुत आसान है। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की से जब आप बात करते हो ना ऐसे इंटरेस्टिंग टाइप की या कुछ भी ऐसा कुछ, तो लड़की सुनती नहीं है, कहती चलो मैं बाद में बात करती हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, चलो ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ, ये ऐसा कुछ हो गया, चलो मैं थोड़ी बिजी हूँ, कुछ भी ना कुछ करके टाल देती है ना। वो क्यों ऐसा करती है? क्योंकि आप उसकी पसंद और नापसंद के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, हमेशा आप ही बोलने पर लगे रहते हो। लोगों को लगता है ऐसा है कि अपने बारे में किसी को बताना और उसके बाद उसकी बातें सुनना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, नहीं, बल्कि आपको इसका अपोजिट करना चाहिए कि आपको करना कुछ नहीं है, उसकी बात सुनने की कोशिश करनी है। जब आप उसकी बात सुनते हो ना, जब वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करती है, तो उसे अच्छा लगता है कि यार कोई एक ऐसा इंसान है जो मेरी बातें सुनता है। और ऐसे में लड़कियां जो ये नेचर के होता है ना कि हाँ ये मेरी पसंद के अकॉर्डिंग चलता है, हाँ ये मेरी पसंद के अकॉर्डिंग रहता है, जो मेरे को कुछ बोलना होता है इसे ये पूरी बात सुनता है, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, ये बंदा मुझे दिखाई देता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए तो कभी भी टाइम निकाल सकता हूँ, लाइक कुछ ऐसा। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि आप उसे थोड़ा रोमांटिक टाइप का अंदाज दिखा सकते हो, थोड़ा लविंग नेचर दिखा सकते हो, जिसके लिए लड़कियाँ हमेशा से पागल रहती हैं। उनको लगता है ऐसा है कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा ही सही मगर रोमांटिक है, अरे हाँ ये बंदा थोड़ा सा ही सही मगर अच्छी बातें करता है। और सबसे लास्ट में तो आप ये भी कर सकते हो कि उस लड़की को ये दिखाइए कि आप सबकी मदद करते हैं, आपके मन में किसी को लेकर के मन मुटाव नहीं रहता है। अब देखिए, ये जो वीडियो बनाने का मेरा इंटेंस था ना, केवल इतना ही था कि जिससे आप लड़की से बात करते हो, जिस लड़की को आप इम्प्रेस करना चाहते हो, आपसे इम्प्रेस नहीं हो रही है, हालांकि बात होती है और ये गाड़ी अटक सी चुकी है, तो भाई थोड़ा सा चेंजिंग करो। ऐसे नेचर को अगर आप अपनाते हो ना, तो ना चाहते आपकी लड़की पसंद करने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये था आपके फेसबुक के मैसेंजर का जवाब। अगर आपको फ्रेंड कुछ और भी जवाब चाहिए या फिर किसी और प्रकार की सवाल के ऊपर वीडियो बनवाना हो, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों की है। बस यार इस वीडियो पे कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना उन सभी के साथ जिनको इन वीडियो की जरूरत हो। धन्यवाद।